शराय तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी देते, और वो शराय में अमल तो खुद नहीं करते। इसलिए आप सब लोगों के सुझाव भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं मेरे पास। कहीं कोई घटना हो गई तो आप सब लोगों की चाहत होती है कि सब पार्टी के नेता जाते हैं, सब पार्टी के नेता जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन हमको जरूर जाना चाहिए। कोई घटना हो गई है तो धरना प्रदर्शन होना चाहिए, उससे आपको कितना फायदा होगा कितना नहीं होगा, कहीं पर जाने से आपके संगठन को आपकी पार्टी को कितना फायदा होगा या नहीं होगा, इसका पैमाना कुछ नहीं है आपके पास, सलाह है। और अगर सलाह में अमल ना करूं मैं तो नाराज भी है आप। इन चीजों में भी आपको थोड़ा समझना है। सलाह दीजिए, सलाह देना अच्छी बात, और मैं आप सब लोगों की बात को सुनता भी हूं मानता भी, लेकिन जो बात मैं अगर उसको इग्नोर करता हूं या मैं अमल नहीं करता हूं उस पर, तो उसमें फिर आपको बुरा मानने की जरूरत है। मैंने भी कुछ सोचा होगा, ऐसा कोई साथी नहीं है कि जो मुझे बात कहता है उसकी बात को मैं सुनता नहीं, और जो बात सही मुझे नजर आती है वो कोई हो मैं उसकी सबकी बात मानता हूं, लेकिन जो बात मुझे समझ में नहीं आती, मुझे लगता है कि वो सही नहीं है, कि आप लोगों के लिए सही नहीं है, संगठन के लिए सही नहीं है, तो हर बात को जरूरी नहीं है कि उसका उत्तर दिया जाए। कुछ बातें बिना कहे भी की जाती है, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया दोनों करने में खराबी है, नुकसान है। तो मैंने उसकी कोई क्रिया करता हूं ना प्रतिक्रिया करता हूं, मैं उस पर चुप रह जाता हूं। इसलिए बहुत सारे साथी इस बात पर भी मुझसे नाराज होते हैं कि हमने ये सलाह दी थी वो उन्होंने मानी नहीं, तो उसको इस बात पर ना ले कि मैंने नहीं मानी, उसको इस तरह से सोचे कि शायद मुझे लगा होगा या मैंने और कुछ साथियों से सलाह ली होगी, तो मुझे कुछ साथियों ने कहा होगा कि ये अच्छा होगा या अच्छा नहीं रहेगा, तो उस पर मैंने चुप्पी साथ दी होगी। इन बातों का भी जो मतलब है उसे आपको समझना चाहिए और मेरी मजबूरियों को भी समझना चाहिए। हमारे काम करने का जो तरीका है, जो कमी है, जो मैं 3 सालों से कह रहा हूं, 2 महीने पहले भी जो मैंने कही है, आज मैं फिर उस बात को कह रहा हूं, हमारे संगठन की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो एक है कि हम गांव में देहात में अपने लोगों के बीच में नहीं जाते, अपनी बात को नहीं करते, और जब तक हम इस बात को नहीं शुरू करेंगे गांव और देहात में जिनकी बात हम रखते